अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा टोयोटा मार्क टू के हवाले से। टोयोटा मार्क टू में ये एक इंजन स्वैप किया हुआ है। इस वक्त हम आए हुए हैं द कार कैफ़े और यहाँ पे रिजवान भाई साथ हैं, वो हमें गाड़ी की डिटेल बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें एक अच्छी कन्वर्जन की हुई है प्रॉपर तरीके से, तो ज़रा डिटेल्ड रखेंगे ताकि आप लोग इससे सीख सकें, समझ सकें चीज़ को। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जी, ये रे रिजवान भाई हमारे और ये रही टोयोटा मार्क टू JZX90। इंजन स्वैप किया हुआ है रिजवान भाई ने प्रॉपर तरीके से। गाड़ी की आउटर लुक आप देख सकते हैं, ये है आउटर लुक। इस पर अभी बाद में काम होने मज़ीद, अभी ये कि मैकेनिकल और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो रिजवान भाई, इसके हवाले से हमें बताएं इंजन कौन सा है, कन्वर्जन कैसे की, क्या क्या था। मैं हमने क्रॉन का 2GR इंजन स्वैप किया है 3500 CC। 3500 CC जी जी। तो पूरी सस्पेंशन भी नीचे हमने क्रॉन की लगाई है, इसको बड़ी ब्रेकें। अच्छा। और इंजन भी क्रॉन का, सारी सस्पेंशन क्रॉन की, फ्रंट वाली, रेडिएटर, एयर क्लीनर, सिलेंडर, तमाम सामान हमने क्रॉन का ही लगाया है। ठीक है। ये जो 2007 वाली क्रॉन में आया है 2GR 3500। अच्छा, उसका अच्छा। सेटअप है सारा, अंदर लीवर, जेड जिग, हर चीज चालू, मतलब ट्रिप्टोनिक। तो अभी पिछला हिस्सा खुला हुआ है, वो LSD हो रहा है। अच्छा, पिछला जी जी LSD कर रहे हैं। पीछे का आपको दिखा देते हैं जी। वैसे तो डाउन किया हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ जी, इसका सारा हिस्सा पीछे से खुला हुआ है, इसको LSD कर रहे हैं। ये हिस्सा इसका अपना है? जी जी, इसका हिस्सा अपना है, इसमें सारी बुशिंग नहीं डाली है अभी। अच्छा, सारी तो सिर्फ LSD हिस्सा हो रहा है, फिर इसमें हिस्सा भी फिट होगा जी। बुश पीछे हिस्सा भी हमने क्रॉन का ही फिट किया है। हाँ, वही मैं कह पीछे जो इसमें अंदर से वो गुच्छा लगेगा ना, वो क्रॉन का है, एक्सल और गुच्छा। बाकी ये जो बेस है ये इसकी अपनी है। बेस में सारे बुश ने डाल दिए क्योंकि इसका वो पैटर्न इसी तरह जैसे आजकल की नई गाड़ियों का। हाँ जी, मार्क एक्स का भी इसी तरह है, मार्क टू का भी। पुरानी गाड़ियों में इसका फर्क होता है, अल्ट्रेशन होके फिट हो जाता है। सही। अब उसकी जरूरत नहीं थी, फ्रंट सस्पेंशन की जरूरत थी, वो हमने चेंज कर दी। ये ब्रेकें देख रहे हैं, ये भी क्रॉन की जो 3500 की आती हैं बड़ी ब्रेकें जी, वो फिट की हैं इसमें बड़ी। क्योंकि ये तकरीबन जी आप देख सकते हैं जो इस पे रिम अभी लगा हुआ है 17 इंच का है और उसमें ये डिस्क ज़रा फंसी हुई नज़र आएगी आपको अगर इस तरीके से देखें तो। काफ़ी बड़ा कैलिपर और डिस्क, तो यानी कि ये देखें प्रॉपर तरीके है और अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि खाली इंजन को डाल लेना कोई फनकारी नहीं है, उसको रोकना भी होता है। तो ये प्रॉपर अच्छा तरीके से सारा सेटअप हुआ हुआ है। तो रिजवान भाई, इसका जो सस्पेंशन लगाई आप कह रहे हैं क्राउन की है, तो वो बोल्ट ऑन आके इस पर फिट हो गई? नहीं, सस्पेंशन पे हमने ऑल्ट्रेशन की है, इंजन हमारा बोल्ट ऑन फिट हुआ। अच्छा, तो सस्पेंशन पे क्या ऑल्ट्रेशन हुई? ऑल्ट्रेशन इस तरह से हुई है, हमने प्रॉपर उसकी गार्डरी बिठाई है, जिस जगह पे उसकी गार्डरी आई है मार्क करके, निशान प्रॉपर सुराख करके, प्लेटें डबलिंग करके, उधर स्टैंड लगा के नीचे नेट लगाया है 19 नंबर का। सही है। तो वो तो यानी गाड़ी के नीचे की तरफ? जी जी, गाड़ी के नीचे की तरफ से। अपर इसका स्टेयरिंग भी जेन्युइन EPS है। अच्छा, जेन्युइन EPS। जी जी, जेन्युइन EPS ही चालू हो गया है, ये इसकी डब्बी लगी हुई है EPS की। सही है जी जी। तो ये इसका अपना ECU लगा हुआ है 3500 का। अच्छा, तो इसको प्रॉपर समझो जेन्युइन तरीके से काम किया है, ये ऊपर कवर लग जाता है। और ये जो दूसरा साथ, ये इसका मार्क टू का अपना है। अच्छा। इसमें फ्यूल पंप की रिले और लाइटों की, AC की, ये सारी रिले इसलिए इस बॉक्स के अंदर है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। ठीक। और इस वाले में इसमें ECU है, इसके अंदर ECU है हमारा। ECU है जी। और ये मीटर के लिए आप कुछ बता रहे हैं? जी जी, मीटर के लिए एक और ECU लगाया है, वो इसके नीचे। अच्छा। इस चीज के नीचे लगाया है, वो स्पेशली मतलब मीटर चलाता है सिर्फ, मीटर प्रॉपर। हाँ, मीटर, RPM, ये चीजें चलाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें जो लिवर है जी जी, वो लिवर भी यानी वो भी क्रॉन का लगा है। जी जी, ZZ चालू, मतलब प्लस माइनस हर चीज चलती है, ZZ है वो। जी जी ठीक है, ZZ है। तो वो भी सारी चीजें बोल्ट ऑन है। तो ये देखें जी, इंजन बे को अभी आप सामने से देखें, सारी चीजें प्रॉपर है, यानी कि इंजन बे आप बोनट खोलें तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जेन्युइन AC की लगी हों। सफाई से काम इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि सारी चीज़ें बोल्ट ऑन है, और बोल्ट ऑन से मतलब ये है कि नीचे सस्पेंशन बोल्ट ऑन हो गया, इंजन उसके ऊपर वैसी बोल्ट ऑन हो गया। सस्पेंशन में जैसे कि आपको बताया रिजवान भाई ने, छोटी सी मॉडिफिकेशंस की हैं, मतलब इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है ठीक है। वो गार्डरी को रख के प्रॉपर निशान लगा के हमने गार्डरी में सुराख किए हैं, उसको फ्रेम को डबल किया अंदर से। सही है। सस्पेंशन बोल्ट ऑन फिट हो गया, ऊपर से फिर क्रॉन का इंजन है जो जी, वो अपने माउंटों पर आ गया क्योंकि गार्डरी के ऊपर इंजन बैठता है। जी जी जी। तो वही गार्डरी
बैटरी क्रॉन की है तो इंजन भी बोल्ट ऑन लग गया। और वैसे भी ये जरा है चेसिस वाइज हैवी गाड़ी है तो मेरा तो बहुत खुला डुला इंजन आया है, मतलब कोई ज्यादा अल्टरेशन नहीं हुई इसमें। अल्टरेशन नहीं हुई भी। ये तो फिर पूरा सेटअप ही आपने उठाया होगा सस्पेंशन के साथ, यानी समझे जैसे हम बोलते हैं हाफ कट, मतलब इंजन गियर हमने सारा कंटेनर से कच्चा स्टॉप से ही परचेज किया था। अच्छा अच्छा, तो वो ऑन स्पॉट जाके लिया था रिजवान भाई? नहीं, ये अफसर भाई ने एक उन्होंने लेके दिया था हमें। अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा। तो तकरीबन इस पे क्या एस्टीमेट आता है इंजन पे सस्पेंशन? ये इंजन हमने उनसे इंजन सस्पेंशन 7.5 लाख रुपए में परचेज किया था। इंजन सस्पेंशन सारी कंप्लीट सस्पेंशन, 3500 की ब्रेकें, गाडरी, इंजन। वैसे इंजन आजकल मिल जाता है 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का, फिर तो सही है, रीजनेबल है मेरे हिसाब से। मतलब 1.5 लाख रुपए की सस्पेंशन मुनासिब है। बिल्कुल सही बात है, इसमें ये कि प्रॉपर हो भी जाता है। अच्छा, तो ब्रेक बूस्टर इसका चेंज हुआ है? ब्रेक सिलेंडर नया लगाया है। ब्रेक सिलेंडर, हाँ जी, इंची का। ठीक है, ये जी चेंज हुआ है, बूस्टर जेन्युइन है? बूस्टर जेन्युइन है, सिलेंडर नया ब्रांड न्यू लगाया है टोयोटा का लेके। तो ये यानी किस मॉडल के है, रिवो वगैरह वाला है? जी जी, रिवो वाला। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये जो इंजन वगैरह लिए थे तो रेडिएटर भी इसमें था? जी जी, साथ आया था रेडिएटर, सीजेटर, सारी चीज़ें इकट्ठी परचेज की। ठीक है, और इसकी अच्छा बाकी क्या करते हैं, ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर, वो हर चीज़ चालू वगैरह लिए थे? कैट नहीं है, स्ट्रेट डाउन पाइप है इसका। अच्छा, हाँ जी। वो वैसे इनने नहीं किया हुआ या लिया ही नहीं था? नहीं, हमने लिया ही नहीं था। लिया ही नहीं था तो उससे एवरेज में? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो स्ट्रेट पाइप है, चारों ऑक्सीजन सेंसर चालू हैं। अच्छा। एक इंजन का फ्लो बेहतर हो जाता है, हल्का फुल्का कच्चा धुआं मारती है कैट की वजह से, क्योंकि कैट का मकसद ही ये होता है कच्चे धुएं को बर्न करके बाहर निकालना। बिल्कुल जी, ठीक है, उस वजह से हमने कैट नहीं लगाए, क्योंकि कैट को थोड़ा पिकअप में भी फर्क पड़ता है, कैट लगा देते हैं, इनको पिक चाहिए, इन्होंने ड्रिफ्टिंग करनी है। सही है जी, तो जी। ये प्रॉपर एक ड्रिफ्टिंग का प्रोजेक्ट कह सकते हैं, रिजवान भाई ने हमें सारी डिटेल बताई है। और इसकी तो फिर वायरिंग के हवाले से कोई और एक्स्ट्रा चीज? वायरिंग के हवाले से सारा काम वसीम भाई ने किया है, वायरिंग का, ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन की है, कोई एक्स्ट्रा तार नजर नहीं आ रही आपको? नहीं जी, वही मैं कह रहा हूं, जेन्युइन तरीके से जिधर आती है उधर ही लगाइए। बिल्कुल ऐसी है जी, इसके ऊपर कवर आ जाएगा इसका अपना, क्रोन वाला, वो सिल्वर वाला। जी जी, इधर इसका एयर क्लीनर का पाइप आ जाएगा जी, ठीक है, मतलब वो भी सारा बोल्ट ऑन है, सारी चीजें बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई है। ये फैन चैन ऑटो की है, टेम्परेचर गेज लगाई है, इधर ऑटो फैन का स्विच लगाया है, ठीक है, मतलब इससे ऑटो फैन चलता है, इससे टेम्परेचर चलता है, ये एक्स्ट्रा लगाई है। अच्छा, ये मतलब अल्ट्रेशन वाली गाड़ियों में अक्सर वायरिंग इशू आ भी जाए तो इधर से मसला नहीं आएगा, आपको टेम्परेचर बताएगी, सेफ यानी बैकअप आपने अच्छा रखा हुआ है कि बाद में मसला ना आए। तो इंशाल्लाह इसका एसी भी वर्किंग होगा, एसी भी वर्किंग होगा, वो सारी चीजें ही मार्केट की, तो वो तो बल्कि थ्रो भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, एक दफा रोड पे ट्राई की है। अच्छा, कर आए हैं, रोड टेस्ट कर चुके हैं? रोड टेस्ट हो गया, सिर्फ अभी पिछले हिस्से का काम के लिए गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो पहले ओपन डिफ पे थी? पहले ओपन डिफ पे। ओपन डिफ पे कैसा था रिस्पॉन्स? बहुत व्हील स्पिन आता था गाड़ी का। सही है, मतलब सतारह के टायर है, व्हील स्पिन देती रहती थी, इसलिए LSD करेंगे, अभी रिम भी चेंज करेंगे, 18 साइज के लगाएंगे। अच्छा अच्छा, रिजवान भाई वैसे पर्सनली, वैसे तो मैंने खैर आपको पता है अपनी 80 जो है उसको ओपन डिफ पे रखा हुआ था। जी जी, अब गाड़ी गाड़ी के हिसाब से मैटर करता होगा, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि LSD करना बहुत ही ज़रूरी है, ओपन ख़तरनाक है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैंने तो एक चीज़ यूज़ की, असल रोड भी होती है ना, आपका ओपन डिफ है, आपके एक टायर मिट्टी में आ गया तो एक टायर ग्रिप वाली जगह में, जी जी, वो भी मसला बनता है, जो टायर ग्रिप कर गया वो साइड निकल जाती है, सही हो गया, तो दूसरी स्पिन कर जाती है, इस तरह के रीजन भी बन जाते हैं। ठीक, तो अभी आप बल्कि कह रहे थे LSD का भी आपने थोड़ा स्टार्ट किया हुआ है? जी जी, स्टॉक भी किया हुआ है? जी जी, मार्क एक्स की LSD है, मार्क टू की LSD है, जेन्युइन। अच्छा, 8 बुल्डों वाली भी है, 10 बुल्डों वाली भी है मार्क एक्स की, ये सारी LSD है। अच्छा, हैं हमारे पास। अच्छा, बल्कि वो आगे भी खड़ी हुई है, उसका आपने पहले देख लिया होगा व्लॉग हमारा, उसमें 4G आ रहा है, ये 2G आ रहा है। इसके अलावा रिजवान भाई के पास अभी फैसलाबाद से एक वो आई हुई थी डिफ, आया है अभी LSD करवाने के लिए, वो कर दी है। अच्छा, अभी ये वापस भेज रहे हैं। तो ये मार्क एक्स का डिफ फैसलाबाद से आया है LSD होने के लिए। सही, ये कर चुके हैं अभी। जी जी, ये LSD डिफ कर दी है हमने। तो इसका कैसे पता चलता है रिजवान भाई? ये बंद वाली LSD अंदर से देख लें, ये देखें। जी जी, अभी तो ये ओपन होता है, वो ओपन डिफॉल्ट। जी जी, उसमें क्रॉस होता है, क्रॉस होता जी है। ठीक है, तो और बाकी जो आप कह रहे थे सस्पेंशन और चीज़ें, वो इस वाले मॉडल के? जी जी, इस वाली मॉडल के हैं, 2007 मॉडल, जो 3500 आई है।
ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा है टोयोटा मार्क टू JZX90 के रिगार्डिंग मैंने आपको दिखाया है, इसमें 2GR स्वैप है और प्रॉपर तरीके से इसमें क्या एक्सपेंस आए सारी डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर की हैं। फर्दर जो मैकेनिकल लेबर्स हैं, वायरिंग की लेबर वगैरह है, वो आपसे शेयर नहीं हुई है, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्योंकि अभी तक कंटिन्यूसली काम चल रहा है गाड़ी पे। आप देख सकते हैं जैसे कि रिजवान भाई ने बताया पीछे की डिप LSD हो रही है, मज़ीद आगे और भी एक्सपेंस होने, एक दफ़ा मैकेनिकल कंप्लीट हो और अगर मेरा नेक्स्ट विज़िट हुआ तो इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर कर लेंगे कि क्या एक्सपेंसेस थे ओवरऑल गाड़ी के हवाले से। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होती मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।